हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि मैं क्लिनिकली यूज़ करती हूँ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज डिजीज़ हो चुकी है जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। ये एक साइलेंट डेंजर डिजीज़ हो चुकी है, तो साइलेंटली रहती है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। जब भी आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं इन जनरल या किसी डिजीज कंडीशन में, तब आपको मालूम चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है, तो आइए जानते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और इसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिससे कि बहुत ही जल्द आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसी बारे में। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के और लाइफ क्लिनिकल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल एक जो है डेंजर डिजीज़ हो चुकी है, साइलेंट रहती है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी आपको मालूम चलता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये कुछ वार्निंग साइंस देती है। तो वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं आपके, कि क्या वार्निंग आपको देती है कि आपको क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ आके जाके हो सकती हैं आपको, कौन से रिस्क फैक्टर। वार्निंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ जाती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो फर्स्ट नंबर होता है हार्ट डिजीजेस, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट डिजीजेस के। तो दिल की बीमारी आपको हो सकती है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो दिल की बीमारी में आपको जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब कि जो आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाना, वहां पर आपके कोई ब्लॉकेज आ जाना, क्योंकि ब्लॉकेज जो है आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो सबसे ज्यादा माइनर होती हैं, और वहां पर कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देना बहुत ही कॉमन कंडीशन हो जाती है, तो जिससे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, साइलेंट होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जब उनको फर्स्ट अटैक आता है तभी उनको मालूम चलता है कि आपकी जो है ब्लॉकेज आ चुका है और वहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसलिए पहले से जानना बहुत ज़रूरी है और इससे बचना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन होती है वो है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, मतलब कि आपकी बॉडी की कहीं भी वेन्स आर्टरीज में आपका जो है कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाना, और वहाँ पर उस नस को, वहाँ पर उस वेन को जो है ब्लॉक करने लग जाना आर्टरीज को। देन नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है ब्रेन स्ट्रोक, मतलब कि ब्रेन की भी वेन्स आर्टरीज में जाके, वेसल्स में जाके वहाँ पर ब्लॉकेज कर देना, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह भी आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो कंडीशंस होती हैं वो होती है लीवर डिजीजेस। तो लीवर डिजीज बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करती है, क्योंकि कई बार जो है लीवर डिजीज होने की वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिलते हैं, और समटाइम्स कहते हैं आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है लंबे समय तक, तो वहाँ पर लीवर प्रॉब्लम्स होने की भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि लीवर ही होता है जो 70% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस करता है और 30% आपको डाइट से मिलता है। तो लीवर यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लेयर करता है रोल, तो यहाँ पर लीवर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर उसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराना साथ में ज़रूरी है। देन इसके अलावा आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटीज़ में भी जो है देखा जाता है कि कहते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप मोटे हो सकते हैं, ओबेज हो सकते हैं, जिसको फैट लॉस करना इजी नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी जो होते हैं जिनको मोटापा होता है उनको ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिले, कुछ दुबले पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि बॉडी फैट नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर, यहाँ पर उनके ब्लड में फैट बढ़ रहा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वैक्सी मटेरियल आ रहा है, जिसकी वजह से वो नसों को ब्लॉक कर सकता है। तो ओबेसिटी भी यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि आपको ओबेसिटी हो सकती है। देन इसके अलावा कई किडनी डिजीजेस के भी चांसेस रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देन यहाँ पर अंडर जो है वर्किंग थायराइड भी देखा जाता है कि आपका जो है थायराइड पूरे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो है कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है आपके मेमोरी के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, अगर वहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है
और LDL मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी चांसेस हो जाते हैं कि आपके थायराइड जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, आपके ब्रेन फंक्शन सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, आपकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं। अब मैं छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहूँगी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पे। तो गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि जो है HDL मतलब कि हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, तो जिसको HDL बोला जाता है। तो HDL जो होता है आपके लिए ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप कई लोग जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होने की वजह से सब कुछ खाना बंद कर देते हैं, सब कुछ इस तरीके से लेने लग जाते हैं कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही ना, ऐसी मेडिसिन लेने लग जाते हैं, तो वहाँ पर HDL भी कम होने लग जाता है। और HDL अगर आपका कम हो रहा है तो यहाँ पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है HDL। क्योंकि अगर आपका HDL अच्छा रहता है तो वहाँ पर उसको LDL को मतलब कि लो डेंसिटी लिपिड जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसको भी वॉश आउट करने पे बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ HDL को बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, HDL आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी LDL लो डेंसिटी लिपिड, मतलब कि जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं इनको कम करना ज़रूरी होता है। इसी की वजह से सारी जो डिजीजेज और रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, हार्ट डिजीजेज बताई हुई, ये सारी चीज़ें वो LDL की वजह से होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको होती है। अब मैं कुछ नॉर्मल रेंज बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पर क्या क्या नॉर्मल रेंज हो सकती है, देखना ज़रूरी होती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर पैथोलॉजी लैब के थोड़े ना थोड़ा रेंज डिस्टर्ब रहती है, अलग अलग होती हैं, लेकिन एक मैं मिनिमाइज रेंज बता देती हूँ आपको, वो होती है जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 150 से 200 तक के अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। 200 से 240 तक में इसको कहते हैं स्टार्टिंग कंडीशन बोली जा सकती है, आपको बॉर्डर लाइन बोला जा सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो उसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन ट्राइग्लिसराइड भी यहाँ बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए। ट्राइग्लिसराइड्स की भी जो रेंज होती है वो लगभग 60 से लेकर 70 से लेकर 150 तक होती है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करना ज़रूरी है। देन इसके अलावा LDL और HDL का देखना ज़रूरी होता है, जो कि LDL जो होता है वो 33 से लेकर 70 तक के बीच में होना ज़रूरी है, HDL जो होता है वो आपका 30 से लेकर 80 तक होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो HDL को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड्स को देखना बहुत ज़रूरी है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर इन चीज़ों को आपका मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ पर जल्दी जल्दी डायग्नोस भी कराते रहिए कि आपकी क्या रेंज है, तो रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन की, किस तरीके से यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए आप जल्द से जल्द अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। देन यहाँ पर मेडिसिंस के साथ मैं बोलना चाहूँगी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डाइट को मेंटेन करना गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए है और बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए है, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करूँगी जिसमें डाइट के बारे में पूरी बात की जाएगी। अभी मैं बात करती हूँ सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिंस पे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, मैं तीन मेडिसिन स्पेशल बता रही हूँ जिससे बहुत ही जल्द आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। लेकिन किसी डिजीज़ के साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वहाँ पर अगर चांस हैं आपके रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी डिजीज़ कंडीशन है, लीवर फंक्शन या रीनल कंडीशन जो है, किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐड मेडिसिन की जाती हैं। लेकिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए जो मेडिसिन हैं, वो पहली मेडिसिन है वो है गुटेरिया गुमेरी। गुटेरिया गुमेरी जो है एक मेडिसिन है, इसमें पेटेंट्स भी आना शुरू हो चुके हैं, मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज़ की जाती है इसको। ये मेडिसिन कंपनी की मेरे पास में है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार, मदर टिंचर्स में ही है, तो इसको अगर लिया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं मैंने क्लिनिकली, तो इसमें काफ़ी जल्दी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और इसके साथ में आप कार्डस मैरिनस मदर टिंचर और एलियम सटाइवा मदर टिंचर, ये दोनों मेडिसिन ही बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ पर लीवर डिजीज और हार्ट डिजीजेज आपको देखी जा रही हैं, तो उनमें भी हेल्प करता है। कोई भी लीवर प्रॉब्लम्स है, फैटी लीवर हो रहा है प्लस, या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वहाँ पर भी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर एलियम सटाइवा मदर टिंचर जो कि लहसुन से बना होता है, इसमें मैंने खुद ऑलरेडी वीडियोज़ बने हुए हैं इन वीडियो मेडिसिन पे, तो आप एक बार उनकी डिटेल्स ज़रूर देख लीजिएगा।
तो ये दोनों मेडिसिन को भी मिक्स करके ले सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। 20-20 बूंद लेंगे, जो है आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 बार लेंगे। तो यहाँ पर आप विद इन मंथ आप अगर ये 4 टाइम ले लेते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है विद इन रेंज आ जाएगा आपका। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो 50% कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स देखी हुई है जहाँ पर ट्राइग्लिसराइड 1200-1300 हुए थे, वहाँ विद इन 20 डेज में ये जो है 300 में आ चुके हैं। तो ऐसे मैंने रिपोर्ट्स देखी हुई हैं। तो जो है यहाँ पर आप इन मेडिसिन को लेके बहुत ही जल्द अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, और साथ में डाइट फॉलो तो करना ही, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगी ही, जो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।